नमस्कार दोस्तों, जब हम ITR 3 फाइल करते हैं तब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेक्शन 4444A के अंतर्गत आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो उसका जवाब देने से पहले इसके रूल्स को समझना जरूरी होता है। सेक्शन 4444A बताती है कि किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होते हैं। इसमें कुछ प्रोफेशन नोटिफाइड किए गए हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से नोटिफाइड प्रोफेशन है, क्योंकि जो जो प्रोफेशन को नोटिफाइड किया गया है उन प्रोफेशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की लिमिट अलग होती है। तो देखते हैं, इसमें आते हैं लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल है, इंटीरियर डेकोरेशन, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, या फिर और भी कोई प्रोफेशन जो कि CBDT द्वारा टाइम टू टाइम नोटिफाइड कर दिए जाते हैं। ये जितने भी नोटिफाइड प्रोफेशंस इसमें बताए गए ना, उन सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स तभी मेंटेन करना होता है जब उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 150,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है। और इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है कि इन ऑल द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 सालों में यदि उनकी 150,000 रुपये ग्रॉस रिसिप्ट जो है 150,000 से ज़्यादा होती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होते हैं। अब बात आती है कि यदि प्रीवियस ईयर ही, जैसे कि अभी हम 23-24 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि 23-24 में ही अगर वो सेटअप हुआ, उसका न्यूली सेटअप प्रोफेशन है, तो उसमें क्या होगा? तो उस केस में उस प्रीवियस ईयर के ही हम काउंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस प्रीवियस ईयर में आपकी 150,000 रुपये से ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट होगी तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ऑल द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मतलब जिसका हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम रिटर्न किसका फाइल कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 का फाइल कर, तो 23-24 को नहीं देखेंगे, 23-24 के पहले के 3 साल हमको देखना है कि क्या उनमें 150,000 रुपये से ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट रहा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। ये तो बात की हमने नोटिफाइड प्रोफेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल और HUF के केस में, जिनकी की जो या तो बिजनेस से इनकम है या फिर नॉन नोटिफाइड प्रोफेशन में वो आते हैं, मतलब जो हमने अभी प्रोफेशन की लिस्ट देखी थी उसमें वो कवर नहीं होते हैं, या फिर जिनके बिजनेस हैं और वो कौन होंगे, इंडिविजुअल और HUF। तो उनके केस में जो लिमिट है वो ये है कि यदि उनकी इनकम जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन से 250,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 25,00,000 रुपये से ज़्यादा, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, या तो उनका टर्नओवर रिसिप्ट जो है 25,00,000 से ज़्यादा हो जाती है, या इनकम जो है 250,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, एक भी कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। अब ये लिमिट हम कब देखेंगे, तो एनी ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, तो पिछले 3 सालों में, मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया था प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर अभी कौन सा चल रहा है हमारा 23-24, तो प्रीवियस ईयर 23-24 को ना देख के उसके पहले के 3 साल में भी, एक साल में भी अगर आपने 250,000 रुपये या 25,00,000 रुपये अगर लिमिट क्रॉस कर दी है किसी भी एक साल में, तब आपके ऊपर 4444A के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना आपको जरूरी होगा। ये हमने बात की थी इंडिविजुअल और HUF के केस में। अब हम देखते हैं कि अदर देन इंडिविजुअल HUF में क्या होगा, या अदर देन इंडिविजुअल HUF के केस में वो इसमें कौन कौन कवर होंगे, एक तो बिजनेस या फिर वही जो नोटिफाइड प्रोफेशन नहीं है, तो बिजनेस और नॉन नोटिफाइड प्रोफेशन जो कि अदर देन इंडिविजुअल और HUF है, उनके केस में ये लिमिट जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 10,00,000 रुपये से ज़्यादा है, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होती है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। और इसके लिए भी वही देखा जाता है एनी ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में दिए क्रॉस कर जाती है लिमिट तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। अच्छा, इसमें और पिछले वाले केस में भी ये अगर कोई न्यूली सेटअप है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर देखा जाएगा, फिर ये जो क्राइटेरिया है ना 3 साल का ना हो के वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही देखा जाएगा। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जिन्होंने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हुआ है, जैसे कि अंडर सेक्शन 44AD है, AD है, तो उस केस में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए कि जैसे 44AD में क्या बताया हुआ है, 6% या 8% प्रॉफिट आपको दिखाना होता है, ऐसे ही ADA में क्या बताया है 50% प्रॉफिट आपको दिखाना होता है, और यदि आप इस लिमिट से कम लोअर प्रॉफिट दिखाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना
होता है, नहीं तो आपको बुक्स ऑफ ओपन मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।